दोस्तों आज के टाइम में अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो बहुत ही कम चांस है उसको वापस पाने के। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया है तो अब हमें क्या करना चाहिए। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों ये प्रोसेस करने के लिए आपको मेन दो बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले जो भी सिम कार्ड उस मोबाइल के अंदर था उसको हम रिकवर करा लेंगे। न्यू जो उसका डुप्लीकेट सिम होगा वो हम उसकी कॉपी ले लेंगे, क्योंकि इस सिम कार्ड की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इस पर OTP आएगा जिसके साथ हम आगे का प्रोसेस करना होगा। और सेकंड बात करें, हमें पुलिस की FIR हमारे पास होनी चाहिए। ये आप अपने मोबाइल पर भी FIR कर सकते हो, और अगर आपने ऑफलाइन FIR की हुई है तो उसका कंप्लीट नंबर हमारे पास होना चाहिए। तो अब दोस्तों करना क्या, सबसे पहले हमें अपने मोबाइल के ब्राउज़र में जाना होगा और डेस्कटॉप वर्जन ऑन कर लेना होगा। और ब्राउज़र में सर्च करना है CER.gov.in। सर्च करने के बाद हम जो फर्स्ट लिंक हमें शो कर रहा है उस पर हम क्लिक कर लेंगे। दोस्तों क्लिक करने के बाद इनका ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस इस तरह का आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो नॉर्मल सी डिटेल हमें यहाँ पे फिल करनी होगी अपनी डिवाइस की और जहाँ पर हमारा मोबाइल चोरी हुआ है या खोया है। सबसे पहले हम जो भी उस मोबाइल के अंदर सिम कार्ड था उसका नंबर यहाँ पे लिख लेंगे। अगर सेकंड सिम था तो उसका नंबर भी हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। इसके बाद EMI नंबर, दोस्तों ये नॉर्मली आपको मोबाइल के बॉक्स के ऊपर मिल जाता है, वो देख के यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। इसके बाद कौन सी कंपनी का मोबाइल था वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपनी डिवाइस का मॉडल क्या था, उसके बाद अगर बिल है आपके पास जो भी आपने परचेज किया था उस टाइम एक बिल देते हैं, उसकी फ़ोटो खींच के हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद लॉस्ट प्लेस, जहाँ पे भी हमारा मोबाइल खोया है या चोरी हुआ है उसका हम नाम लिख देंगे यहाँ पे, और जिस डेट को खोया है या चोरी हुआ है उस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें स्टेट सेलेक्ट करनी है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, और पुलिस कंप्लेंट नंबर जो FIR नंबर होता है। अगर आप ये ऑनलाइन मोबाइल पर करना चाहते हो तो वीडियो में कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो है जो ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करते हैं वो बना दूंगा। और इसके बाद हमें करना क्या, हमारे जो पास का पुलिस स्टेशन है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद जो पुलिस, अगर आपने ऑफलाइन जो भी कंप्लेंट की है FIR की है मोबाइल चोरी हो जाने की, तो उसकी फ़ोटो खींच के हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। बाद हम यहाँ पे जो भी ओनर था मोबाइल का उसकी हमें डिटेल फिल करनी होगी। सबसे पहले जिसके नाम पर मोबाइल बिल बना था उसका हम नाम लिख लेंगे। इसके बाद हम एड्रेस, जो भी उसका एड्रेस है। इसके बाद हम कोई भी प्रूफ इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी आपके पास है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आधार कार्ड पर टिक मार करके यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर होगा जो वहाँ पे फिल कर दूंगा। और उसके बाद ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है तो आप फिल कर सकते हो, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मोबाइल नंबर जो रिकवर किया है, जो डुप्लीकेट सिम लिया है, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करके गेट OTP पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद की जो प्रोसेस है, यहाँ पे हम टिक मार लगा के सबमिट पर हम बटन दबा देंगे। सबमिट पर बटन दबाने देने के बाद आपका जो फ़ोन हो ब्लॉक हो चुका होगा, कोई भी उसको यूज़ नहीं कर सकेगा, ना उसमें कोई सिम कार्ड चलेगा और ना ही कोई इंटरनेट की सुविधा उसमें चलेगी। तो टोटली दोस्तों वो एक टमी पीस बन के रह जाएगा, कोई भी उसका कोई यूज़ नहीं कर सकेगा। अगर आप नहीं यूज़ कर सकते तो आपकी मेहनत की कमाई का फ़ोन कोई और भी यूज़ नहीं कर सकेगा। और इन केस अगर दोस्तों आपको वो फ़ोन फिर से मिल जाता है तो यहाँ पर एक इन्होंने बटन दिया हुआ है अनब्लॉक अनफाउंड मोबाइल का, इस पर हम क्लिक करेंगे। जो भी हमें रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा ब्लॉक करने के बाद वो ID यहाँ पर हम डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और अनब्लॉकिंग करने के रीज़न बताएंगे कि कैसे हमारा मोबाइल हमें हो गया था, अब मिल गया है। और जो नंबर मोबाइल पर OTP आएगा उसको हम गेट OTP करके सबमिट कर देंगे, तो आपका फिर से जो अनब्लॉक मोबाइल हो जाएगा और फिर से आप यूज़ कर सकोगे। उस नए नए टॉपिक के लिए बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाते हैं सिर्फ आपका सब्सक्राइब और लाइक पाने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें वीडियो को।